नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल। दिन की छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का वाराणसी में भव्य शुभारंभ। वाराणसी से आइए देखते हैं मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वाराणसी में आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर श्री RP सिंह जी ने बताया कि आयुष 21 वर्षों से पूरे भारत भर से सेवा दे रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर संस्था है। श्री ब्रजेश तिवारी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर ट्रोप होम मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पूरे उत्तर प्रदेश में 200 अस्पताल बनाएंगे। यम गरीब और बेसहारा कन्याओं को पैरामेडिकल कोर्स मुफ्त में कराएंगे और 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे और डायग्नोस्टिक सेंटर में गरीबों को मुफ्त में डायग्नोसिस करने का भी बात कही है। इस अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, श्री ब्रजेश तिवारी, अमित कारखाने, अभिमन्यु लौंडे, RP सिंह, प्रेम तिवारी, नीलेश सुमित्रा जी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ट्रू होप मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं सुमित्रा मैडम जी को यहां पर बुलाना चाहता हूं। दोस्तों, अब हम आप लोगों को वो चीजें बताने जा रहे हैं। RP सिंह जी 21 वर्षों से आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। सुमित्रा मैडम के मन में एक ख्याल आया कि हम तो आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो कन्याएं हैं, उनके भविष्य में क्या है, उनका भविष्य कैसे उज्जवल किया जाए। तो जिस समय हम RP सर से मिले तो डॉक्टर RP सिंह ने हम कन्याओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कर देने जा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ही हाई है। ट्रू होप मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी कन्याओं को पैरामेडिकल को आयुष इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनसे एडमिशन फीस हम नहीं लेंगे, उन्हें जॉब भी दिलाने की गारंटी लेते हैं। तो मीडिया से ये निवेदन है कि हमारे भाई सम्माननीय RP सिंह जी और मैडम सुमित्रा मैडम को महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बार सब लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और इसके साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ में इस शाम की शुरुआत हमारे सभी गेस्ट और चीफ गेस्ट के थ्रू। इट्स फील सो प्लेजर एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। एंड नाउ आई वुड डायग्नोस्टिक सेंटर के क्या कहना चाहेंगी, डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आएगा और गरीबों को कितनी सहूलियत हो पाएगी। देखिए, जैसे ट्रू होप मार्केटिंग सॉल्यूशन ने कहा कि 50 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने ही तरीके देखना है, अपने एंटरप्रेन्योर मॉडल को बढ़ाना है। ये पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है और आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का रीलॉन्चिंग हो रहा है और उसके साथ ट्रू मार्केटिंग सॉल्यूशन साथ में जुड़ा हुआ है और इससे एक नया मकाम होगा कि सही डायग्नोसिस। देखिए, कभी कभी तो मेरे ये भी हुआ है कि कहीं से हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और दूसरे लैब से हम कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। हमें सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। आई बिलीव उत्तर प्रदेश जैसा एक स्टेट, जैसे डॉक्टर RP सिंह आयुष के उन्होंने कहा कि हम अपने सैंपल्स क्यों अपने स्टेट से बाहर भेजें, क्यों नहीं हम अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और अपने आप में आत्मनिर्भर हों,
क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेट है, ये देश की वो स्टेट है जो यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ जो जीतता है वो स्टेट वो सेंटर में अपना पार्टी बनाते हैं, तो क्यों हमारी तरफ अनदेखा है। हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट या पब्लिक। आई बिलीव ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे तो हम स्वस्थ बनेगा इंडिया, तभी हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। मैम आपने जैसा कहा हेल्थ केयर की बात को लेकर, तो लगातार प्रधानमंत्री ने भी 5 लाख का आयुष बीमा हेल्थ केयर गरीबों के लिए लॉन्च किया है और उससे भी काफ़ी लोगों को मदद मिली। इसके साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो किस तरह तो ये साधुवाद है, प्रधानमंत्री जी का साधुवाद है। आयुष कार्ड अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने स्माइल किया है, 1.5 लाख लोगों को वो लोग ऑपरेशन भी करने वाले हैं। बहुत सारे देखिए पॉलिसीज है भारत में, पर पॉलिसीज के साथ फैसिलिटीज भी होना चाहिए ना। आज मेरे पास मान लीजिए कोई कार्ड आ गया, पर अगर सही डॉक्टर मेरे स्टेट में नहीं रहेंगे तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, पीजीआई लखनऊ भागना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अपने डिस्ट्रिक्ट में वो सिस्टम्स बनाए कि जो आयुष का जो कार्ड है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज बना रही है, वो हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भोगे। क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में चुनाव भी शुरू होने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, तो आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या मूलभूत सुविधाओं को देने वाली सरकार होनी चाहिए?